हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं, रिसेंटली डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस से लॉन्च किया है ऑपरेशन गियरबॉक्स। तो क्या है ये ऑपरेशन गियरबॉक्स, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। बहुत ही यूनिक नाम रखा है, तो ऐसे प्रश्न आपको पूछने जाने की बहुत ही संभावना है यहाँ पे। और इसके मेन जो कंसर्न क्या है, किस लिए इसको जो है लॉन्च किया गया है यहाँ पे, गोल्डन क्रेसेंट गोल्डन ट्रायंगल क्या है यहाँ पे, और जो ड्रग मेनेंस को रोकने के लिए यहाँ पे अलग अलग जो इंटरनेशनल ट्रीटीज या भारत में भी अलग अलग जो लॉज है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो देखिए, फ्रॉम इंटरनल सिक्योरिटी जो आपके GS3 पेपर के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो बहुत ही डिटेल में हम डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस के नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने लॉन्च किया है ऑपरेशन गियरबॉक्स। तो यहाँ पे देखिए कि इस ऑपरेशन को क्यों लॉन्च करना पड़ा, कि कोलकाता पोर्ट में लगभग 39.5 kg जो हीरोइन जो है ये एक्चुअली पकड़ा गया यहाँ पे। तो अभी देखिए कि ये ऑपरेशन गियरबॉक्स जो पूरा मसला क्या है। एक्चुअली जो पुराने गियरबॉक्सेस होते हैं यहाँ पे, तो इन गियरबॉक्सेस में आपने जैसे कि थंबनेल पे देखा, कुछ ऐसे एरिया होलो एरिया रहते हैं, तो उसके ऊपर जो गियर्स होते हैं यहाँ पे, तो इन गियर को निकाल के इसके ऊपर जो नार्कोटिक ऐसे ड्रग्स सब्सटेंस होते हैं पैकेट में, प्लास्टिक के पैकेट में रख के उसके ऊपर फिर से गियर डाल लिए जाते हैं। तो जब भी कोई अथॉरिटी देखेगा उसको ऊपर से, ऐसा लगेगा कि पुरानी यूज्ड या फिर पुरानी जो अनयूज्ड जो है गियर बॉक्सेस दिखेंगे, तो कोई डाउट भी नहीं कर सकता कि ऐसे पुराने गियर बॉक्सेस के अंदर ऐसे नार्कोटिक सब्सटेंस होते हैं। और ये इसीलिए रखा जाता है ताकि उनको जो है ट्रांसपोर्ट करने में इजी हो, जो अथॉरिटी जो है चेक इन करते हैं यहाँ पे, तो वो बहुत ज़्यादा उनको डाउटफुल तरीके से ना ले और उनको जो है सप्लाई की जा सके। तो ये जो है पूरा मसला जो है ऑपरेशन गियरबॉक्स, तो यहाँ पे डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने इसको लॉन्च किया है यहाँ पे। तो पूरा केस यही है। तो थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग को जानना पड़ेगा कि ड्रग एडिक्शन जो भारत में बहुत ही ज़्यादा फैलती जा रही है, स्पेशली यूथ के बीच में, तो मेन रीज़न क्या है कि इंडिया जो है दो बड़े बड़े ब्लॉक्स के बीच में आता है यहाँ पे। एक जो होता है गोल्डन ट्रायंगल और दूसरा है गोल्डन क्रेसेंट। तो गोल्डन ट्रायंगल में जो तीन चार देश जो है, जैसे कि थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम और लाओस, और गोल्डन क्रेसेंट में कौन सी देश आती है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और ईरान। तो इन दो जो ब्लॉक्स के अंदर भारत आती है और यहाँ पे जो है सप्लाई होती है नॉर्थ ईस्ट के जरिए या फिर जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ राजस्थान पंजाब से होके इंडिया में आ जाती है यहाँ पे। तो अगर बात करेंगे वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट के हिसाब से, तो वर्ल्ड ड्रग रिपोर्ट 2022 के हिसाब से देखिए कि इंडिया जो है दुनिया का सिंगल लार्जेस्ट ओपियम मार्केट है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा यूजर्स हो रही है यहाँ पे, क्योंकि देखिए यहाँ पे वल्नरेबिलिटी बहुत ज़्यादा है यहाँ पे यूजर्स की, कि एक व्यक्ति भले ही वो पहले ऐसे कभी भी यूज नहीं किया है, उसने यूथ है, लेकिन जब भी ऐसे लोगों के कॉन्टेक्ट में आ जाते हैं तो उन्होंने एक बार ट्राई किया और बाद में उसकी लत लग जाती है। और जब वो देखते हैं कि उनके सारे जो फ्रेंड्स हैं सभी कंज्यूम करते हैं, तो ये एक आदत बन जाती है एक पीयर फैक्टर के वजह से। और यहाँ पे सबसे ज्यादा इफेक्टेड जो तो है भारत में यूथ इफेक्टेड हो रहे हैं यहाँ पे, तो बाद में ये जाके बहुत ही हार्मफुल एक सिचुएशन क्रिएट करती है, जो यहाँ पे भारत की गवर्नमेंट रोकने की कोशिश कर रही है। लेकिन आप देख सकते हैं किस किस यूनिक तरीके से ये जो चीज़ें जो है इंडिया में आ रही है या फिर इंडिया से जा रही है। तो अलग अलग कुछ अगर हम लोग बात करेंगे, जो ये गोल्डन क्रेसेंट आप देख सकते हैं यहाँ पे भारत, जो अफगानिस्तान, ईरान, पाकिस्तान, ये जो एक शेप इसको गोल्डन क्रेसेंट बोला जाता है, और जो म्यांमार, लाओस, थाईलैंड, ये सबको गोल्डन ट्रायंगल बोला जाता है। तो ये जो है ओपीएम प्रोड्यूसिंग रीजन्स है, और यहाँ पे देखिए गोल्डन ट्रायंगल से थ्रू नॉर्थ ईस्ट इंडिया के अंदर एंटर होती है यहाँ पे, और गोल्डन क्रेसेंट से जो पंजाब, राजस्थान से होके इंडिया में एंटर होने के लिए बहुत पॉसिबिलिटी है। तो इंडिया जो है इज सैंडविच बिटवीन टू बिग ब्लॉक्स ऑफ गोल्डन क्रेसेंट एंड गोल्डन ट्रायंगल। तो कभी कभी आपको देखिए ऐसे प्रश्न भी पूछे जाते हैं कि ये कौन सी चीज़ों की स्मगलिंग के लिए मशहूर है, तो आप लोग डेफिनेटली ड्रग से रिलेटेड उसमें देखेंगे, क्योंकि गोल्डन ट्रायंगल ऐसा एक टेंडेंसी आता है कि गोल्ड की स्मगलिंग, तो गोल्ड की स्मगलिंग नहीं यहाँ पे, ड्रग की स्मगलिंग से रिलेटेड है यहाँ पे। तो अगर बात करेंगे इंडिया में अलग अलग जो इनिशिएटिव ने गवर्नमेंट ने लिया है यहाँ पे, सिज्योर इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम,
नेशनल ड्रग एब्यूज सर्वे है यहाँ पे, एनडीपीएस एक्ट जो है 1985 में निकाला था, और नशा मुक्त भारत, अलग अलग जो इनिशिएटिव गवर्नमेंट निकाले तो है, लेकिन यहाँ पे देखिए ऐसे चीजों की इंस्पेक्शन होनी बहुत जरूरी है। क्योंकि अभी सपोज मान लीजिए आज जो है गियर बॉक्सेस में ऐसे चीजों को लाया जा रहा है या फिर इंडिया से लेके जाया जा रहा है, लेकिन यहाँ पे कल को कुछ ऐसे चीजें भी हो सकती है जो हम लोग सोच भी नहीं सकते। तो यहाँ पे डेफिनेटली जो अथॉरिटीज है उन लोग को बहुत ही कॉन्शियस रहना पड़ेगा, बहुत ही अलर्ट रहना पड़ेगा, और टेक्नोलॉजिकली यहाँ पे चेक इन होनी चाहिए ताकि ऐसे चीजों को जो है इंडिया में जो है लाया नहीं जा सके। तो इंटरनेशनली भी काफी सारे ऐसे ट्रीटीज या फिर कन्वेंशन है कि ड्रग मेनेस को जो है रोकने के लिए यहाँ पे। तो पहला अगर बात करेंगे यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन नार्कोटिक ड्रग्स जो 1961 में स्टार्ट हुआ था, देन यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन ऑन साइकोट्रोपिक सब्सटेंस जो 1971 में स्टार्ट हुआ था। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट इलिसिट ट्रैफिक इन नार्कोटिक ड्रग्स एंड साइकोट्रोपिक सब्सटेंसेस जो 1988 में स्टार्ट हुआ था। तो यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांस नेशनल ऑर्गेनाइज क्राइम जो 2000 में स्टार्ट हुआ था। तो अलग अलग देखें कि यूनाइटेड नेशंस ने ही काफ़ी सारे यहाँ पे जो इंस्टीट्यूशंस या फिर ट्रीटीज या फिर कन्वेंशंस लॉन्च किए हैं, लेकिन मेन देखें कि यहाँ पे मेन प्रॉब्लम है कि किसी भी देश के जो यूथ हो गई या फिर जो एडिक्टेड लोग हैं इनको सप्लाई कर रहे हैं, इनको यूज़ कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पे एक तो बात है कि लोग गवर्नमेंट या फिर ऐसे इंटरनेशनल ट्रीटीज जितना कुछ क्यों ना कर ले, लेकिन लोगों को खुद से सावधान होना पड़ेगा, खुद से अलर्ट होना पड़ेगा। क्योंकि अगर कोई भी नहीं चाहेगा तो ऐसे चीज़ों की जो मार्केटिंग या फिर बिजनेस कभी भी इंडिया में होगी ही नहीं, और ये चीज़ें जो है हमेशा जो है डिस्ट्रक्शन या फिर एक बहुत ही निगेटिव एंड के लिए ही लेके जाती है। भले ही कुछ टाइम के लिए ठीक हो, लेकिन ये फॉर ए लॉन्गर टाइम बहुत ही डिजास्ट्रस हो सकती है। तो ऐसे चीज़ों को गवर्नमेंट को तो करना ही पड़ेगा इसके लिए अलग अलग, लेकिन लोगों को भी यहाँ पे अवेयरनेस होनी चाहिए। तो ये था हम लोग का कंप्लीट एनालिसिस रिगार्डिंग द ऑपरेशन गियरबॉक्स जिसको डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस ने लॉन्च किया है। तो आशा करते हैं इस वीडियो से आपको बहुत कुछ चीज़ें सीखने को मिला होगा, और ये वीडियो अगर आप लोग को अच्छा लगे इसको प्लीज़ लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोज बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज़्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है, और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज़्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही, देखते रहिए स्टडी वाइज, टेक केयर, थैंक यू एंड जय हिंद।